દીક્ષાએ ઓપન એજમાં અને કોટેશ્રીએ અંડર 17 માં ગોલ્ડ મેડલ હાંસલ કર્યો છે. સાણંદમાં રહેતા અને સજાણા પાસે આવેલા પ્રાઇવેટ હિન્દુસ્તાન ગમ કંપનીમાં નોકરી કરતા મધ્યમ વર્ગના બ્રાહ્મણ પરિવારના સુધાકર ત્રિવેદી, જેવો સાણંદમાં એક લિંગજી ફ્લેટમાં રહે છે, તેમની બંને પુત્રીની એથ્લેટિકમાં રુચિ જોઈને આગળ વધવા પોતે દીકરીઓને માર્ગદર્શન અને કોચ પણ બન્યા. સાણંદમાં રમતનું એક પણ ગ્રાઉન્ડ ન હોવા છતાં નોકરીથી છૂટીને ટોર્ચના અજવાળે બંને દીકરીઓને જેડીજી હાઈસ્કૂલના મેદાનમાં પ્રેક્ટિસ કરાવતા. તે મહેનતને કારણે નેશનલ લેવલની દરેક એથ્લેટિક રમતોની ભાલા ફેંકમાં હંમેશા ટોપ 10માં આવતી હતી. તાજેતરમાં જ ટાટાનગર જમશેદપુરમાં યોજાયેલી ચોથી નેશનલ એથ્લેટિક સ્પર્ધામાં પણ બંને ટોપમાં આવી હતી, પણ કોઈ ફેડરેશન કે રાજ્ય સરકાર તરફથી કોઈ જ આર્થિક સહાય મળતી નથી. કારણ કે મધ્યમ વર્ગનો પરિવાર અને ખર્ચા વધારે થતા હોવાથી કોઈ સરકાર કે સંસ્થા દીકરીઓને આર્થિક ટેકો આપે તો બંને દીકરીઓ દેશનું નામ રોશન કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. और अभी आपने गुजरात खेल महाकुंभ में गोल्ड मेडल हासिल किया है, उसके बारे में पूरा सफ़र बताइए, कब से शुरू किया था? जी, पहले मैं खेलती थी खो खो, उसके बाद फिर धीरे धीरे, एक्चुअली वो ग्रुप गेम था, तो मेरे सर ने कहा कि ऐसे नहीं हो पाएगा, इससे अच्छा आप इंडिविजुअली करो. उन्होंने फिर मुझे जैवलिन सिखाना स्टार्ट किया, देन उनका ट्रांसफ़र हो गया एक्चुअली, तो फिर मुझे अकेले करना पड़ा. सो आई स्टार्टेड विद द खेल महाकुंभ, और उसमें मैं पहले 200 और जैवलिन दोनों करती थी, तो वहाँ स्कूल में इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी, तो हमने सोचा, डिसाइड किया कि हम एक अच्छा ग्राउंड ले लेते हैं, तो पास में ही हमें घर के पास एक अच्छा ग्राउंड मिल गया था, तो वहाँ पे हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए. पहले तो जब मैंने फर्स्ट अपना स्टेट खेला तब मेरा इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, देन ग्रेजुअली वो अच्छे से इंक्रीज़ होने लगा, एंड अब जाके मैंने मेडल लिया है. और आपकी दोनों बच्ची है जो अभी खेल महाकुंभ में गोल्ड मेडल जीता है, उसके बारे में वन बाय वन दोनों बच्ची का डिटेल दे. मेरी बड़ी बेटी का नाम दीक्षा द्विवेदी है और छोटी का नाम छोटी सिंह है. दोनों सेंटेंस स्कूल में पढ़ी हैं और छोटी वाली सेंटेंस में पढ़ रही है अभी भोपाल में, और बड़ी वाली है GLS के SMPP, GLS यूनिवर्सिटी का SMPP यूनिट है वहाँ पर M.Com में. बड़ी बेटी हमारी प्रैक्टिस करना जैवलिन में, पहले वॉलीबॉल में थी और टीम इवेंट था, क्योंकि वॉलीबॉल टीम इवेंट था, इसलिए वो सेंटेंस स्कूल भोपाल की टीम हार गई स्टेट में, तो उनके कोच थे अमित साहू, उन्होंने जैवलिन में डाल दिया. तब से हमने 2016 से प्रैक्टिस कराना चालू किया, 2016 से दीक्षा को प्रैक्टिस कराना किया, और अभी तक में वो लगभग 12 नेशनल खेल चुकी है, 12 नेशनल. और 2000 से मेडल जीता है, कौन मेडल बेस्ट जोन में उसके मेडल थे, बेस्ट जोन में मेडल थे. 2019 का सिल्वर मेडल खेल महाकुंभ का था, और फिर उसके बाद कोविड आ गया, और 2021-22 का ये गोल्ड मेडल उसको मिल गया. इसके पहले अभी हमने टाटा स्टील फोर्स नेशनल ओपन टर्निंग चैंपियनशिप कंपीटिव में खेला था, उसमें दीक्षा का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वो 10वें नंबर पे थी, हालांकि बहुत पीछे रहे हम, लेकिन क्योंकि एक अच्छा अनुभव, नए इंस्ट्रूमेंट के साथ खेलना, नए जेवलिन के साथ प्रैक्टिस करना और शो करना, तो एक टेक्निकल चीज़ें थी, और शायद हम आगे उसको कम करेंगे. छोटी वाली बेटी के लिए भी सेम है, छोटी बेटी ने 2019 में खेलना शुरू किया है, 2019 में 200 मीटर इंटर डिस्ट्रिक्ट नेशनल खेला तिरुपति में, इसके बाद वहाँ 192 लड़कियाँ थी, तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत रस है और इसमें खर्च भी ज़्यादा होगा, तो जैवलिन मैंने पकड़ा दिया लगभग 2019 के जून महीने में, और 3 महीने मैंने प्रैक्टिस करवाया, जुलाई अगस्त सितंबर में, बारिश के सीजन में टाच कर ले जाके DDC स्कूल में, और 3 महीने में उसने CBSE नेशनल का बड़ौदा क्लस्टर का गोल्ड मेडल जीता, और 2 महीने बाद उसने CBSE नेशनल रायपुर में खेला, वहाँ हम बहुत पीछे रहे, 13वें रैंकिंग में रहे, 13वें नंबर पर रहे. इसके बाद 2021 में जूनियर नेशनल खेला, वहाँ 9वीं रैंकिंग में थे हम, तो अंडर 16 में, तो इसके बाद
बाद अभी फोर्थ नेशनल जेवलिन चैंपियनशिप खेला उसने छोटी वाली में, और उसमें हम एस9टीवी न्यूज साथ गुलाब बोध सानंद।